प्यारे बच्चों, अज आपां 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फोर्थ करन जा रहे हाँ। ये है इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरल टू एस टी, जिहड़ी पी क्यू आ वह कि पैरल आ जे एस टी दे गिवन आ, बोथ लाइनज आ समान पैरल। पी क्यू आर, पी क्यू आर कि अपने को 110 डिग्री, एंड आर एस टी, आर एस टी कि अपने को 130। फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस आ वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, कढ़नी है। देखो राजे, सब तो पहले आप की करांगे, इतों पैरल लाइनस ड्रा करांगे, एस टी दे पैरल लाइन ड्रा करांगे आप एक्स वाई। ठीक है, जिहड़ा आ वाला एंगल है इनू की मान लेंगे आप वन, ये किहड़े कोण बन गए अंदरले कोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इतों पहले एंगल वन कढ़ लेंगे आप, आर एस टी एंगल आर एस टी प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180। केड़े कोण ने अंदरले कोण, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आर एस टी, आर एस टी कि अपने को 130 डिग्री प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180। एंगल वन आ गया राजे अपने को, 180 माइनस 130 कि आ गया अपने को 50 डिग्री। उस तो बाद देखो राजे आ की बन रही है जैड, तुम दस्या हो जैड के कोर्नर किड़े कोण होंगे ने, एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर वाई, क्यू आर वाई किड़े कोण ने, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उस तो देखो राजे पी क्यू आर ए कि अपने को 110 डिग्री, क्यू आर वाई इन्हों दोनों जोड़ के बने क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल वन। ठीक है, क्यू आर एस, क्यू आर एस आप कढ़ना राजे एंगल वन कि कढ़िया से अपने 50, क्यू आर एस प्लस 50 आ इधर आगे माइनस हो जाएगा, 110 माइनस 50 कि बराबर आ गया क्यू आर एस, इट इंप्लाइड क्यू आर एस ये कि आ गया अपने को 60 डिग्री। ठीक है, उस तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिगर ए बी, ए बी पैरल टू सी डी, बोथ लाइनज आर पैरल, ए पी क्यू, ए पी क्यू कि अपने को 50 डिग्री, पी आर डी, पी आर डी आ कि अपने 127, एक्स ते वाई दी अपा वैल्यू कढ़नी है, फाइंड आउट करनी है राजे। देखो पहला इधर भी देखो एक आ जैड बन गई, एक आ जैड बन गई तो किहड़े कोण बन गए, ये एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए पी क्यू कि अपने को 50 डिग्री, पी क्यू आर कि अपने को एक्स, एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 50, किहड़े कोण ने ये एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उस तो बाद किधर जैड बन गई राजे, ए पी आर, ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, इज इक्वल टू पी आर डी, ए पी आर इन दोनों जोड़ के बनूगा 50 प्लस वाई, पी आर डी कि अपने को 127 डिग्री। ठीक है, वाई कि आ गया अपने को 127 माइनस 50 कि आ गया 77 डिग्री। उस तो बाद देखो राजे सिक्स क्वेश्चन, ये हैगा अपने को पी क्यू अते आर एस, दो दर्पण हैं पी क्यू ते आर एस, दो दर्पण ने, मिरर ने जो एक दूजे के समांतर रखे हुए ने, पैरल ने। ठीक है, एक पाती किन इंसीडेंट रे, ए बी दर्पण पी क्यू तो बी ते टकराउंदी है, अते परावर्तित किन पथ बी सी ते चलदे हुए दर्पण आर एस तो सी ते टकराउंदी है, अते दोबारा सी डी दे इको दिशा विच परावर्तित हो जाती है, सिद्ध करो कि ए बी पैरल टू सी डी। अपने ये सिद्ध करना राजे, जी ए बी लाइन आ कि पैरल आ सी डी दे, आ दोनों मिरर ने, दर्पण ने, आ इंसीडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टर रे होगी,
फिर इंसटेंट बन गई रिफ्रैक्टिड होगी। सब तो पहले आप करा राजे इतों परपेंडिकुलर सीट लाँगे, नाम दे लो इनू एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लो ठीक है, एन डी परपेंडिकुलर टू आर एस, इनू एंगल वन मान लो, इनू एंगल टू मान लो, इनू एंगल थ्री मान लो, इनू एंगल फोर मान लो ठीक है। अपने प्रूफ करना की प्रूफ करना, ए बी कि पैरल आ सी डी की। सब तो पहला देखो राजे आ नब्बे का कौन आ ठीक है, बी 90 डिग्री आ, इधरों सी 90 डिग्री आ, जे दोनों 90 डिग्री ने तो आ लाइनस की होनगियाँ पैरल ठीक है। आप लिखांगे क्योंकि जी एम बी आ वो कि पैरल आ सी एम दे, दोनों पैरल ने क्योंकि एम बी क्यू जिहड़ा कौन आ ये भी 90 आ, एन सी आर एन सी आर ये भी एंगल की आऊगा 90 डिग्री ठीक है। उस तो बाद देखो राजे आप लिख सकते हैं फिर आ दोनों लाइनस पैरल हो गई, आ जैड बन गई, एंगल टू कि बराबर आ जूगा अपने को एंगल थ्री दे, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री ठीक है। किहड़े कोण ने ये एकांतर कोण, जैड दे खुंजे एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है। उस तो बाद अपन पता रहा जे जिहड़ा इंसीडेंट एंगल हुंदा ते रिफ्रैक्टेड एंगल हुंदा बोथ आर इक्वल ठीक है, अपाती कोण ते परावर्तित कोण दोनों इक्वल हुंदे ने बराबर हुंदे ने, इस करके अपन डबल कर सकते हैं। जे मान लो आ 30 दा आ तो डबल किन्ना बन जूगा 60 दा, 30 30 किन्ने बन गए 60। उस तो बाद देखो यार दुगुना इधर मल्टीप्लाई कर दो टू दे नाल, इहनू इधर मल्टीप्लाई कर दो टू दे नाल, क्योंकि रीजन की दोगे अपाती कौन परावर्तित कौन बोथ आर इक्वल ठीक है। उस तो बाद दो दा दुगना आ सारा कौन बन गया राजे ए बी सी, इहदा मतलब एंगल ए बी सी किहदे बराबर आ गया थ्री दा दुगना डबल बी सी डी, ए किहदे बराबर आ गया बी सी डी दे, पर राजे ए बी सी ते बी सी डी ए भी फिर की बन गए जैड दे खुंजे, इहदा मतलब आ एंगल की होणगे इक्वल, किहड़े कोण ने एकांतर कोण, पर यह एकांतर कोण हन ठीक है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है। यह इक्वल ता होणगे जे ए बी कि पैरल होगी सी डी दे ठीक है, इट इंपलाई जी ए बी लाइन आ कि पैरल होगी सी डी दे।